हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए खीर बनाने बता रही हूँ। तो इसमें मैंने चावल लिया 50 ग्राम, इसे गला दिया था 2 घंटे के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और खीर के लिए मैंने लिया है साथ में पनीर, ये फ्रेश पनीर है 250 ग्राम, और कुछ ये ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी लिए हुए। इससे हमारे खीर का टेस्ट बढ़ जाएगा और जायकेदार बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, फ्रेश मावा। इससे हमारे खीर में गाढ़ापन आएगा और खीर बहुत अच्छी लगेगी। मावे वाली खीर तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, 1 चम्मच घी डाल के इन चावलों को बहुत अच्छे से भून लेना है। 5 से 7 मिनट ही भूनना है इसे और बहुत अच्छी तरह से भूनना है इसे। लगातार चलाएंगे वरना इस बर्तन में चावल चिपक जाएगा। चावल को भून कर बनाने से खीर का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो एक बार बना के ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो देखने के लिए बेल का बटन दबाएं। तो लगभग हमारे चावल भून चुका है, जिसमें हम दूध मिला देंगे। सारी खीर हमारी दूध से ही बनेगी, पानी का उपयोग नहीं करेंगे इसमें। तो 700 ग्राम मैंने इसमें दूध डाल दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और दूध मिला दूंगी। और लगातार चलाना है चावल पक जाने तक, और बीच बीच में देखते भी जाऊंगी मैं। तो लगातार हिलाने से ताकि चावल हमारा चिपक ना जाए। ये खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखें। पनीर और मावे की अलग अलग खीर बनती है, मगर यहाँ पे हम तीनों को एक साथ मिला के बना रहे हैं। ये खीर बहुत ही टेस्टी बनती है और ये खीर में उबाल आ चुका है, तो गैस हम स्लो कर देंगे और लगातार चम्मच से हिलाते रहेंगे। बीच बीच में चावल को भी देखना है, चावल पक गया कि नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है इसे, और 1 से 2 बार इस तरह से देख लेंगे हम चावल का दाना। लगभग चावल हमारा पक चुका है। इसमें मैं इलायची मिक्स शुगर मिला दूंगी, तो मैं इलायची अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से उबाल लेंगे इसे। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसमें हम मावा मिला देंगे और मावा भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है इसमें, वरना बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो अच्छे से बारीक करके मावा मिलाएंगे और छोटी मोटी जो भी गुठलियाँ हों उनको चम्मच से तोड़ लेंगे। इस
तरह से हमारी खीर का जायका बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हाँ ये हम पनीर डाल रहे हैं इसमें, और पनीर डाल के भी अच्छे से चलाना है इसे। ये देखिए बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं, इसे चम्मच से दबा देंगे मावे के, और बहुत अच्छे से इसे चलाना है और बॉयल भी अच्छे से करना है। खीर हमारी लगभग बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा और पकाएंगे हम इसे। ये देखिए खीर का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। खीर हमारी बन के तैयार हो गई है, तो किसा हुआ नारियल मिला देंगे इसमें और अच्छी तरह से चला दूंगी मैं इसे। खीर को प्लेट में निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट से, इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी मैं, इससे और हमारी खीर का जायका बढ़ जाएगा। तो लीजिए खीर तो तैयार है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि खीर का टेस्ट आपको कैसा लगा। चावल मावे और पनीर से खीर हमारी तैयार है। तो चलती हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगी।